क्या बलूचिस्तान बनेगा बांग्लादेश? बलूचिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। जी हां, पाकिस्तानी सेना और सरकार के अत्याचार की वजह से विरोध की आग में जल रहा बलूचिस्तान। दरअसल ये विरोध चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की वजह से हो रहा है। ये प्रोजेक्ट चीन के शिनजियांग प्रांतः से शुरू होकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में खत्म होता है। ग्वादर के लोग इसी ग्वादर पोर्ट का विरोध कर रहे हैं। इस पोर्ट की वजह से ग्वादर में बिजली पानी की कमी, अवैध रूप से मछली पकड़ने से आजीविका का खतरा और पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बढ़ रहा है। ग्वादर के लोग चीन की मौजूदगी से नाखुश हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध की आग में एक हफ्ते से बुरी तरह से झुलस रहा है बलूचिस्तान। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 1944 में ही बलूचिस्तान को आज़ादी देने के लिए माहौल बन रहा था, लेकिन 1947 में इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूचिस्तान के नागरिकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकार का विरोध करते आए हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 1971 की तरह जैसे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, वैसे ही बलूचिस्तान भी बांग्लादेश बनने वाला है। पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद भी बलूचिस्तान का अन्य हिस्सों की तुलना में कम विकास किया जाता है और ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश बन जाएगा।